ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦਾ ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ जनता दरबार के लोगों की मुश्किलों को सुनिया जाएगा मौके पर हल करने की कोशिश भी की जाएगी तो इस दौरान ही जो लोगों के नाल राबता कायम करेंगे उन्होंने गल्लां बातों सुनेंगे उन्होंने समस्यावां सीएम भगवंत मान सुनेंगे तो हो सकता है कि उस समय बजट को लेकर भी सुझाव लोगों को मंगे जा सकते हैं कि आखिरकार बजट के कुछ चंगा होना चाहिए उन्होंने मुताबिक बजट के किस तरीके की तब्दीली करनी चाहिए या की चाहते हैं बजट को लेकर उस उत्ते भी विचार वटांदरा लोगों के नाल कीता जा सकता है। सो सीएम भगवंत मान का यह पहला जनता दरबार है मुख्यमंत्री की कुर्सी से बैठने तो बाद यह पहला सीएम भगवंत मान हुण का जनता दरबार सो भगवंत मान अज लोगों दी मुश्किलों नूं सुणनगे गलबात भी करनगे ते हो सकदा मौके ते उन्हां मुश्किलों दा हल भी कीता जावे साडे सहयोगी अनमोल गुलाटी इस समय साडे नाल बड़े कोई ने अनमोल जानना चाहवांगे अज जनता दरबार दे विच लोकी पहुंचणगे किस तरीके दा अज रहण वाला है प्रोग्राम उस बारे जानकारी लैणा चाहवांगे जी बिल्कुल जेकर गल की रहा मनप्रीत अज की इस जनता दरबार की तो जनता दरबार के जोड़े लोग ने आम लोगों को सद्दा दिता गया कि आम लोग आते पंजाब के मुख्यमंत्री मिलन सब तो वड्डी गल है कि पंजाब के लोगों ने एक वड्डा भरोसा दिता आम आदमी पार्टी भगवंत सिंह मान को 92 सीट्स का मैंडेट दिता तो एक्सपैक्टेशन बहुत ज़्यादा है सब तो वड्डी गल यही सी कि एक्सपैक्टेशन तो किस तरीके उतरिया जाए तो जरूर एक पासे मान सरकार कोशिश कर रही है कि जिनी भी एक्सपैक्टेशन ने उन्होंने पूरा किया जाए तो नाल दे नाल जिहड़े लोग ने हुण कितना कितना लोगों तो पूछा जा सकता उन्हां दा मन टटोल के वेख्या जा सकता कि होर की कुछ लोग उम्मीद करते हैं पंजाब सरकार तो जिस तो बाद पंजाब सरकार वालों कोशिश की जाऊगी कि उन तमाम उम्मीदा ते पूरी उतरती नज़र आए सरकार कितना कितने कहा जा सकता है कि सरकार वालों ये पुरजोर कोशिश की जा रही है कि जेड़ा भरोसा लोग जेड़ा भरोसा जित के जेड़ा की है पार्टी इस पावर दे विच आई है पंजाब सरकार दे विच आई तो उस भरोसे नूं बनाए रखा जाए जिस दे लई खास तौर पर अज का ये जनता दरबार जेड़ा की है मनिया जा सकता है इस जनता दरबार दे विच जेड़े नुमाइंदे ने उन्हां नूं जेड़ा की है जेड़ा कि बुलाया गया उन्हां तों पुछा जाऊगा कि उन्हां दे जेड़े अगे रिप्रजेंटेटिवस ने वो की एक्सपैक्ट करते हैं सरकार तो की एक्सपैक्ट करते हैं गवर्नमेंट तो जिस तरीके नाल नौजवान भी होणगे बुजुर्ग भी होणगे हर वर्ग के कुछ लीडर्स कुछ नुमाइंदे जिहड़े कि इस मीटिंग दे विच मौजूद रहणगे जिस तो बाद कहा जा सकता है कि उन्हां दी उम्मीदां जानने तो बाद सरकार अपनी रूपरेखा तैयार कर सकती है तो सरकार वालों जिहड़ा कि है बजट नूं लैके क्योंकि बजट भी एक काफ़ी अहम पॉइंट है जिहदे उत्ते पंजाब की आवाम की भी तो विरोधी धिर की भी नज़र कितना कितना टिकी हुई है तो हर वर्ग की उम्मीद पूरी होए बजट तो लैके इस दी कोशिश भी जिहड़ी कि है जरूर मान सरकार वालों की जा रही है ते अज इस जनता दरबार दे विच खास तौर पर वेखना होगा कि लोगों वालों की कुछ सुझाव दिए जाते हैं किस तरीके नाल लोग मिलते हैं तो जनता दरबार तो बाद जो बाहर आएंगे लोग उस दे विच किन्ने को संतुष्ट नजर आते हैं लोग बिल्कुल अनमोल ये भी जानना चाहवांगे कि इस जनता दरबार दे विच किन्ने के लोकी पहुंच कर सकते ने या कोई लिमिट रखी हुई है या किन्ने लोकी पहुंच करके या कोई पहला नोटिफिकेशन जारी होया सी इस जनता दरबार दे लई उस बारे पुछना चाहवांगे किदां जानकारी दित्ती गई कि अज जनता दरबार लगाया जा रहा है जी बिल्कुल अपने जिहड़े MLAs ने MLAs नूं इनफॉर्मेशन दी गई है MLAs जिहड़े कि अपने अपने हल्के दे विच लोकां नाल गलबात कर रहे हैं हर वर्ग के किस नुमाइंदे नूं जिहड़ा कि चुन के इस बैठक दे लई अज दी इस जनता दरबार दे लई बुलाया गया हालांकि कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई लेकिन ये जरूर कितना ना कितने टीचा है पंजाब सरकार का कि वध तों वध लोगों नूं मिलके वध तों वध लोगों की राय जिहड़ी कि उह बजट नूं लैके भी लई जाए तो पंजाब सरकार तों एक्सपैक्टेशन की कुछ ने उस नूं लैके भी लई जाए बिल्कुल अनमोल खास रहने वाला यानी कि अज का जनता दरबार क्योंकि सीएम भगवंत मान के वालों जदों की सरकार बनी है पहला जनता दरबार है सो एक मेन काम किया जा रहा है कि लोगों के नाल सीधे तौर पर जुड़िया जाए लोगों की मुश्किलों का हल भी शायद हो सकता है कि अज मौके पर किया जाएगा बिल्कुल जिस तरीके नाल पहला जिहड़ी कि समस्यावां सुनिया जा सकदियां उम्मीदां सुनिया जा सकदियां ते जेकर कोई इहो जी समस्या है जिहदा नाल दे नाल जिहड़ा कि है हल कढ़िया जा सकदा नाल दे नाल सोल्यूशन दिता जा सकदा तां उहदे लई वी मान सरकार वल्लों पूरी कोशिश की जाऊगी
ठीक है अनमोल, एक होर जानकारी थोड़े को पूछना चाहवांगे। जिस तरीके दे नाल अज जनता दरबार की पहल की जा रही है, हो सकता है कि पहली बार है कि पंजाब दे विच सीएम जिहड़े खुद लोगों के नाल रूबरू होणगे, उन्हां दे नाल जुड़नगे, जनता दरबार लगाया जा रहा है। सो आम आदमी पार्टी का एक विशेष, सूबा सरकार का भी एक विशेष उपराला है, सो लोगों के विच भरोसा पैदा करन दे लई कि सरकार किन्नी क सुचारू ढंग दे नाल काम कर रही है, लोगों तक पहुँच कर रही है, उन्होंने मुद्दों को सुन रही है, सो लोगों के विच होर भी विश्वास जिहड़ा वधेगा। पूछना इहो चाहवांगे कि अगे भी इस तरीके दे जिहड़े जनता दरबार जारी रहणगे। बिल्कुल लाजमी गल है, पंजाब सरकार वालों जिस तरीके नाल पहला तो यहो जिहे काम किए जा रहे हैं कि पंजाब के लोगों तो राय ली जा रही है। बजट की गल की जाए तो कहा गया जनता का बजट होएगा, तो आम लोगों तो जिहड़ा कि सुझाव मंगे गए पोर्टल राही, उस तो बाद अजे जनता दरबार, इस तो बाद मान सरकार का यह कहना, पंजाब के मुख्यमंत्री का यह मानना है कि कोई भी डिसीजन जो लिया जाऊगा तो हूँ लोगों की राय जरूर ली जाऊगी, तो यहोजे उपराले जरूर आने वाले दिनों होर भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल अनमोल, यानी कि कह सकते हैं कि खास रहने वाला है लोगों की सरकार, तो लोगों के लिए, तो लोगों के भले के लिए काम करने की गल इन्होंने आखी सी, तो हो सकता है कि अच्छ लोगों दशकों भी खास तौर पर सुनिया जाए। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद करना चाहवा। Okay.